शांति कर ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, दो दिन से बहुत बारिश हो रही है, तो इसलिए मेरा मन क्या है कि आप लोगों को मैं पनीर के पराठे और टमाटर की चटनी की रेसिपी बताती हूँ। चलिए फिर देखिए रेसिपी, क्या क्या सामान डलता है उसमें। हमने आधा किलो पनीर लिया है, हरा धनिया जो हमने काट रखा है, हरी मिर्च, आमचूर पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, अजवाइन, और हमने चटनी के लिए चार टमाटर लिए हैं। आटा हमने पहले से गूंद रखा है। चलिए फिर बनाते हैं। तो हमने गैस जला लिया है, अब हम टमाटर को रोस्ट करते हैं। टमाटर रोस्ट करने से चटनी बहुत टेस्टी बनती है। गैस को तेज कर लीजिए। इन्हें थोड़ी थोड़ी देर में पलटते रहना है, नहीं तो एक साइड से सारी जल जाएंगे ना, तो इसलिए इनको घुमा घुमा के इनको पलटना है। अब हमारे टमाटर हो चुके हैं रोस्ट, अब इनको हम निकाल लेते हैं और गैस बंद कर दीजिए। अब हम इनके छिलके निकाल लेते हैं, थोड़े थोड़े निकालें, ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े, थोड़ा बहुत छिलका रहना भी चाहिए क्योंकि इसका टेस्ट आता है। हमने टमाटर को छोटा छोटा काट लिया है, अब इसे हम चटनी तैयार करते हैं। इसे मिक्सी में डालते हैं, इसको मिक्सी के जार में, इसमें हमने तीन चार मिर्ची ली है क्योंकि हम चटनी चटपटी खाते हैं ना, और हरा धनिया, आधा चम्मच नमक डालना है, थोड़ा सा आमचूर पाउडर जिसे चटनी खट्टी बनती है। अब इसे हम चला लेते हैं। अब हमारी चटनी तैयार हो चुकी है, ये देखिए, देखो कितनी बढ़िया चटनी बनी है, देखिए। अब हम हरी मिर्च सिलबट्टे में पीस लेते हैं क्योंकि पराठों के लिए पीस के ही डाली जाती है। आप इसे बारीक करके पीस लीजिए क्योंकि पीसने से जो है टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि जैसे हम बारीक वैसे काट के जब डालते हैं तो वो किसी किसी टुकड़े में आता है खाने में, ये जो है हर एक एक टुकड़े में इसका टेस्ट आएगा आपको, इसलिए हम पीस के डालते हैं। आप भी ज़रूर पीस के डालना पराठों में। अब हम पनीर का मिश्रण तैयार कर देते हैं। पनीर को अच्छे से हाथों से ऐसे मेस लीजिए। इसको अच्छे से मेसना है, नहीं तो पराठों में ना मोटा मोटा टुकड़े आते हैं फिर ऐसे। अब इसमें हम हरा धनिया डालते हैं। हमने जो हरी मिर्च पीसी थी वो डाल लीजिए, जितना आप चटपटा खाते हो उतना डाल लो। मेरे घर में तो मेरे बच्चे चटपटा ज़्यादा खाते हैं ना, तो इसलिए हम ज़्यादा ही डाल लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हल्का सा आमचूर डाल लो, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने चटनी में भी आमचूर डाला है ना। नमक डाल लो स्वाद अनुसार। थोड़ा सा इसमें एक चुटकी हल्दी डाल लीजिए, थोड़ी सी अजवाइन। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लो। अब हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। दोस्तों, अगर आप चाहो तो इसमें प्याज भी डाल सकते हो, प्याज डाल के भी बहुत टेस्टी होते हैं, क्योंकि मैंने तो प्याज इसलिए नहीं डाला ना आज, आज मेरा वीरवार का
फास्ट होता है ना, तो इसलिए मैंने इसे प्याज नहीं डाला। आप इसमें प्याज भी डाल सकते हो, प्याज डाल के बहुत टेस्टी होते हैं। मैं प्याज डालती मगर मेरा आज फास्ट है ना, तो इसलिए मैंने प्याज नहीं डाला है। चलिए फिर अब पराठे बनाते हैं। देखिए दोस्तों पराठे बन रहे हैं हमारे। इसको हल्का हल्का ऐसे बेल लेना चाहिए पहले, फिर इसमें जो हमने बैटर रेडी किया था मिक्सचर उसे भरना है। फिर इसको चार तरफ से ऐसे फोल्ड कर लो। अब इसको हल्के हल्के हाथों से बेल लो। अब हम तवे में डालते हैं पराठा। बाकी के पराठे भी ऐसे ही हम तैयार कर लेते हैं। इसमें हल्का हल्का साइड से तेल लगा लीजिए। ऊपर हल्का हल्का तेल लगाइए। हमें इसे अच्छे से क्रिस्पी करने हैं। देखो हमारा पराठा तैयार हो चुका है। देखो देखिए फ्रेंड कितना बढ़िया पराठा बना है, पनीर पराठा। देखिए बाकी के पराठे भी हम ऐसे ही बेल लेते हैं। देखिए कैसे बने। देखिए फ्रेंड चटनी देखिए कैसी बनी है। फ्रेंड आप लोग भी घर पे ट्राई करिए और खा के फिर बताइए कैसे बने, और कमेंट जरूर करना आपको पराठे अच्छे लगे या चटनी अच्छी लगी, क्या अच्छा लगा आपको जरूर बताना, खा के कमेंट जरूर करना। और मुझे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय दोस्तों। हैप्पी बर्थडे मम्मी। केक भी मंगा ले आए। सरप्राइज। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अब हमने अभी थोड़ी देर पहले रेसिपी शूट की है, और मम्मी का ना बर्थडे है आज, और टाइम देखो 12 बज चुके हैं, और मेरे छोटे भाई और भाभी ने मम्मी के लिए केक मंगाया है। मतलब मम्मी को सरप्राइज़ दिया, मम्मी को पता नहीं था, और मम्मी बहुत ज़्यादा शौक हो गई हैं। ये है भैया भाभी और ये रही मम्मी। देखिए फ्रेंड मेरे को सरप्राइज़ दिया मेरे बेटे और बहू ने, मुझे तो पता भी नहीं था कि केक कटवाएंगे एक दिन पहले, वो भी रात को 12 बजे। चलिए तो फिर एंजॉय करते हैं। आइए और केक कटवाइए मेरे साथ, और बहुत सारे कमेंट करना मम्मी को हैप्पी बर्थडे के। ठीक है चलो फिर केक कट करते हैं। फ्रेंड्स आज मेरी दादी का बर्थडे है, तो मैं सो के उठी हूँ, रात के 12 बज रहे हैं,
और आप बहुत प्यारे प्यारे विशेष भेजना। बाय। बेटर बहू ने मुझे सरप्राइज दिया। मैं तो रेसिपी दिखा के आप लोगों को हटी थी, तो देखा तो उन्होंने अचानक से मेरे को मेरे सामने केक लेके आ गए कि मम्मी केक काटो आप। रात के 12 बजे इन्होंने मेरे से केक कटवाया है। मुझे बहुत खुशी हुई है, इतनी खुशी है कि मैं कह नहीं सकती आपको। बहुत मेरे बच्चे मेरे लिए बहुत करते हैं, मैं क्या कह सकती हूँ, बहुत बता नहीं सकती आप लोगों को। तो देखिए आप लोग बताना कॉमेंट करके आपको कैसा लगा मेरे बेटर बहू जो केक लेके आए, इन्होंने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और बहुत सारे कमेंट जरूर करना मम्मी को, और बर्थडे का विशेस भेजना बहुत अच्छी अच्छी और बेस्ट विशेस जरूर देना। हाँ, और इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि उनका चैनल सब्सक्राइब जरूर करो, उनको बर्थडे गिफ्ट दो आप उनका चैनल सब्सक्राइब करके। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट और बहुत सारे बाय बाय करना। देखो मेरी पोती भी कितना वो कर रही है आपसे, देखो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है, तो प्लीज आप लोग हमारी नहीं तो बच्चे की तो सुनना, मेरी पोती की बात जरूर मानना आप। हाँ, और कल कमेंट करके जरूर मुझे बताना। ठीक है ना, मैं इंतजार करूंगी। चलो चलिए, गुड नाइट, बाय बाय।